सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी का 11th वीडियो लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं 10 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा रेंडम वेरिएबल और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ रेंडम वेरिएबल और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, रेंडम वेरिएबल को समझने के पहले आप जरा फंक्शन के बारे में देखिए कि फंक्शन क्या होता है। सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, एक ए और एक बी ले रहे हैं। ए में एलिमेंट सपोज कीजिए 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो सपोज कीजिए 4, 9 और 16 है। अब फंक्शन एक रूल होता है जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को एसोसिएट करता है बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। सपोज कीजिए ये रूल है एफ, रूल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एफ से। और कैसा रूल है, यहाँ पर इसके प्रत्येक एलिमेंट को एसोसिएट करेगा अपने स्क्वायर के साथ। नियम हम लोग बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं कि ए के एलिमेंट को एसोसिएट करेंगे अपने स्क्वायर के साथ। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये इस रूल के द्वारा जो अभी मैं बता रहा था कि प्रत्येक एलिमेंट को अपने स्क्वायर के साथ एसोसिएट करना है, इस रूल के द्वारा सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो गया। तो इसी रूल को हम लोग कहेंगे फंक्शन। इसमें से दो कंडीशन है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए और ये यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो इस रूल के द्वारा आप देख रहे हैं यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट हो गया और यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब इसको कहते हैं डोमेन, यहाँ पर ये जो सेट है इसको डोमेन कहते हैं और इसको कहते हैं हम लोग कोडोमेन। अब जरा देखिए यहाँ पर 2 का एफ इमेज 4 कहलाता है कि एफ ऑफ 2, ये 2 का एफ इमेज हो गया एंड इट इज इक्वल टू 4। एफ ऑफ 3, 3 का एफ इमेज 9 है और 4 का एफ इमेज 16 है। तो आप देख रहे हैं फंक्शन क्या करता है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को असाइन करता है एक बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। यहाँ पर 2 को असाइन कर रहा है, 2 को एसोसिएट कर रहा है किसके साथ, 4 के साथ। 3 को एसोसिएट कर रहा है, मतलब हम लोग एफ में अगर हम लोग 3 लगा देते हैं तो जो आउटपुट निकलेगा वो 9 होगा, यानी कि एफ यहाँ पर है और इनपुट में यहाँ पर ए का एलिमेंट डालना है। मान लीजिए इनपुट में हम लोग 4 डाल दिए तो जो आउटपुट होगा वो कितने के बराबर होगा, 16। यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट के बदले बी में यहाँ पर एक एलिमेंट जरूर मिलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट के बदले बी में एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी सेट ए को असाइन करेगा बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ। तो ये फंक्शन हो गया। अब जरा देखिए हम लोग सपोज करते हैं कि किसी दो क्वाइन को हम लोग टॉस करते हैं, तो दो क्वाइन को अगर एक साथ टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो सकता है दोनों हेड हो, तो या तो दोनों एच एच हो, दोनों हेड होगा, या फर्स्ट हेड सेकेंड टेल होगा, और ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टेल सेकेंड हेड हो जाए, या दोनों टेल हो सकता है। अब हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर डोमेन रखे थे ए को और कोडोमेन रखे थे बी को और एक फंक्शन डिफाइंड किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी एक फंक्शन डिफाइंड करते हैं हम लोग। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर डोमेन लेते हैं सिंपल स्पेस और कोडोमेन जो लेते हैं वो रियल नंबर का सेट लेते हैं, आर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी रियल नंबर का सेट हो सकता है। तो सिंपल स्पेस में कौन कौन सा एलिमेंट था, एच एच था, एच टी था, टी एच है और टी टी है। अब एक रूल बनाते हैं
उस रूल को मान लीजिए x से डिनोट करते एक फंक्शन बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर फंक्शन को f से डिनोट किए थे, यहाँ पर फंक्शन को x से डिनोट करते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं और s के प्रत्येक एलिमेंट को एसोसिएट करते हैं एक रियल नंबर के साथ, तो एक रूल बनाना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा। तो क्या नियम बनाते हैं, x मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का अगर यहाँ पर x निकालना है, इमेज निकालना है, जैसे कोई भी मान लीजिए एलिमेंट, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेते हैं जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो एक्स ओमेगा क्या बताएगा, ये बताएगा नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स इन ओमेगा। मतलब ओमेगा है क्या, ओमेगा जो है वो इसी का मेंबर है, वेयर ओमेगा जो है वो एस का ही मेंबर है, यही चारों में से कोई एक होगा ओमेगा, और एक्स ओमेगा किसके बराबर है, नंबर ऑफ हेड्स इन ओमेगा, तो ओमेगा में जो नंबर ऑफ हेड्स होगा उसके बराबर। जैसे यहाँ पर आप इसका अगर इमेज निकालते हैं, जैसे यहाँ पर 2 का इमेज निकाले तो 4 आया, तो यहाँ पर इसका जब इमेज निकालिएगा तो इसका इमेज क्या होगा, नंबर ऑफ हेड के बराबर। तो इसमें कितना हेड है, 2 हेड है, ये किसके साथ एसोसिएट होगा, इसमें कितने हेड हैं, तो 1 हेड है ओनली, तो ये 1 के साथ, इसमें आप देख रहे हैं 1 हेड है तो ये भी 1 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, और इसमें कोई हेड नहीं है तो हेड की संख्या 0 है तो ये 0 के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो ये जो रूल बना है, इस रूल के द्वारा एस के प्रत्येक एलिमेंट को एसोसिएट कर दिए एक रियल नंबर के द्वारा, और किस फंक्शन के अंतर्गत ये काम किए हम लोग, फंक्शन जो है वो एक्स लिए हुए हैं, यानी इमेज अगर लिखें कि एक्स ऑफ एच एच, एच एच का इमेज अगर लिखते हैं तो ये 2 आ रहा है, एक्स ऑफ एच टी इसका इमेज 1 आ रहा है, एक्स ऑफ टी एच इसका भी 1 आ रहा है, और एक्स ऑफ टी टी इसका 0 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट इसका एसोसिएट हो गया एक रियल नंबर के साथ, यानी प्रत्येक एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर मिल रहा है, यानी कि अगर हम लोग एक्स यहाँ पर कोई भी सिंपल स्पेस का इनपुट डालते हैं, सिंपल स्पेस का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर डालते हैं, जैसे मान लीजिए एच टी डाल दिए, तो आउटपुट जो आएगा वो एक रियल नंबर आ रहा है। अगर ऐसा कोई फंक्शन मिल जाता है जिसका डोमेन एस रखते हैं और कोडोमेन रियल नंबर का सेट होता है, तो उसी फंक्शन को कहते हैं, एक्स जो फंक्शन है इसी फंक्शन को कहते हैं रेंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर रेंडम वेरिएबल है क्या, रेंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सिंपल स्पेस होता है और कोडोमेन होता है रियल नंबर, तो इसी फंक्शन को हम लोग कहेंगे रेंडम वेरिएबल। जरा आप देखें यहाँ डेफिनेशन कि लेट एस बी द सिंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ ये रेंडम एक्सपेरिमेंट, एस कोई सिंपल स्पेस ले रहे हैं एसोसिएटेड विथ ये रेंडम एक्सपेरिमेंट, और एक फंक्शन ले रहे हैं एक्स assigning to every element omega belongs to s, omega कोई भी s का member लेते हैं उसके corresponding x का जो value मिलेगा एक real number मिलेगा जिसको denote करेंगे x omega से। तो अगर कोई function मिल जाता है x जो इसके प्रत्येक element को assign करता है एक real number के साथ, तो उसी को कहते हैं random variable। तो यहाँ पर x जो है x of h h ना लिख करके हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू जो है वो 2 है, यानी कि हम लोग ऐसा लिखेंगे यहाँ पर आप देखिए कि x का जो वैल्यू है क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ हेड्स बता रहा है इन ओमेगा, वेयर ओमेगा बिलोंग्स टू s, मतलब इसमें जितने भी सिंपल पॉइंट है उसका x निकालना होगा, तो x क्या बताएगा, नंबर ऑफ हेड्स बताएगा। तो आप देखिए नंबर ऑफ हेड्स कितना हो सकता है, दो क्वाइन को अगर टॉस करते हैं तो या तो दोनों हेड हो सकता है, या कोई एक हेड होगा या जीरो हेड होगा, तो x का वैल्यू हो सकता है एक भी हेड नहीं आवे तो जीरो हो जाएगा, अगर एक हेड आता है तो 1 हो जाएगा, और अगर दो हेड आता है तो 2 हो जाएगा। तो ये x जो है इसी x को हम लोग कहते हैं रेंडम वेरिएबल, और यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 ये तीन वैल्यू मिल रहा है। तो रेंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं कैपिटल x से या कैपिटल y से या कैपिटल z वगैरह से डिनोट करते हैं रेंडम वेरिएबल को। आप दूसरे एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी जो मैं बताया यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि x जो बता रहा है वो नंबर ऑफ हेड को बता रहा है। अब आप ऐसा कीजिए कि x जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा,
नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो ये चीज को अगर रिप्रेजेंट करता है तो उस समय एक्स ऑफ एच एच का वैल्यू क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ हेड्स है 2 और नंबर ऑफ टेल्स है, एक भी टेल नहीं है 0, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। मान लीजिए एक्स ऑफ एच टी अगर निकालें तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, हम लोग फंक्शन कोई किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ जो डेफिनेशन बताया था वो नंबर ऑफ हेड्स के बराबर था, मैं यहाँ पर अब दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। मान लीजिए एक्स जो है वो फंक्शन जो डिफाइन करेंगे वो दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, जितना हेड है और जितना टेल है दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें हेड की संख्या 2 है और टेल एक भी नहीं है 0 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। और ये जो है इसका एसोसिएशन किसके साथ होगा, नंबर ऑफ हेड है 1 और नंबर ऑफ टेल भी है 1, तो ये 0 हो जाएगा। और एक्स ऑफ टी एच टी एच, तो नंबर ऑफ हेड है 1, नंबर ऑफ टेल है 1, ये भी 0 आ गया। और एक्स ऑफ टी टी, तो नंबर ऑफ हेड है यहाँ पर 0 और नंबर ऑफ टेल है 2, तो ये आ गया -2। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग एसोसिएशन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो देखिए मैं इसी में चेंज करता हूँ कि ये किसके साथ एसोसिएट हुआ, एक्स ऑफ एच एच इक्वल टू कितना आ गया 2, और ये दोनों किसके साथ एसोसिएट हुआ है 0 के साथ, और ये किसके साथ एसोसिएट हुआ है -2 के साथ। तो अगर इस तरीके से हम लोग फंक्शन अगर डिफाइन करें तो यहाँ पर भी प्रत्येक सिंपल पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर तो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम लोग डिफाइन करें फंक्शन, तो यहाँ पर भी फंक्शन हो रहा है डिफाइंड, सिंपल स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, यूनिक रियल नंबर मिल रहा है। तो ये भी एक्स जो है वो क्या बता रहा है, एक रेंडम वेरिएबल बता रहा है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि एक्स का जो वैल्यू है या -2 मिल रहा है, या 0 हो रहा है, या 2 हो रहा है। तो इस तरीके से इस केस में रेंडम वेरिएबल का वैल्यू -2, 0 और 2 हो गया। पहले जो मैं बताया था उसमें x का वैल्यू, रेंडम वेरिएबल का वैल्यू मिल रहा था या तो 0 या 1 या फिर 2। तो इस तरीके से ये रेंडम वेरिएबल हुआ। अब रेंडम वेरिएबल दो तरीके का होता है, दो टाइप्स का रेंडम वेरिएबल होता है, एक डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल और एक कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल। तो चलिए उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ रेंडम वेरिएबल, सबसे पहला है डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल क्या है जरा समझिए, ये रेंडम वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट इफ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट। डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल तब कहते हैं जब उसका जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो या तो फाइनाइट होगा या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट भी हो सकता है लेकिन वो काउंटेबल होना चाहिए। क्या होता है काउंटेबल, मैं अभी बताऊंगा। जैसे अभी आप देखिए जो मैं पहले की वाला बात किया हूँ एग्जाम्पल में, तो उस एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल में बताया था, एक एग्जाम्पल में बताया था कि एक्स क्या था, नंबर ऑफ हेड्स के बराबर था। तो नंबर ऑफ हेड्स के बराबर था तो एक्स का क्या क्या वैल्यू मिला, या तो 0 हेड हो सकता है या 1 हेड या 2 हेड, जब दो क्वाइन को हम लोग टॉस करते हैं एक साथ। तो एक्स का यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू है या तो 0 है या 1 है या 2 है। तो रेंडम वेरिएबल का मात्र 3 वैल्यू है यानी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जा रहा है एक्स का। तो ऐसे वैल्यू को भी हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल, ऐसे रेंडम वेरिएबल को, क्योंकि यहाँ पर जो रेंडम वेरिएबल का वैल्यू मिल रहा है वो फाइनाइट नंबर है, 3 वैल्यू मात्र मिल रहा है, 3 वैल्यू है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज अगर मिलता है तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल। लेकिन वो इनफाइनाइट भी अगर मिलता है और वो काउंटेबल हो तब भी डिस्क्रीट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हूँ मैं कि दैट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स मे बी लिस्टेड एज, जो भी पॉसिबल वैल्यू मिले उसको लिस्ट बनाया जा सके x1, x2, ……xn। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग x1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको x3 कहते हैं, तो यहाँ पर 3 वैल्यू हुआ। तो अगर x1, x2, ……xn तक n वैल्यू का एक लिस्ट बना दें, ये किस केस में, इनफाइनाइट केस।
फाइनाइट केस में अगर एन वैल्यू मिलता है, कैपिटल एक्स का अगर एन वैल्यू मिलता है तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्क्रीट, लेकिन अगर इनफाइनाइट हो तो ये एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स इन्फिनिटी तक एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जितना भी एक्स का वैल्यू मिल रहा है उसका एक लिस्ट हम लोग इस तरीके से बना लें कि एक वैल्यू को एक्स वन कहें, दूसरे को एक्स टू कहें, तीसरे को एक्स थ्री कहें और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा सके। तो अगर एक्स को लिस्ट बनाया जा सकता है इस तरीके से तो उसको हम लोग कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया, और इस केस में भी हम लोग कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज़ है। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज जो होगा एक्स का, वो फाइनाइट हो सकता है, या फिर एक्स का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट के लिए काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल किसको कहते हैं इनफाइनाइट में, जरा इसको समझिए। काउंटेबल वैल्यू तब कहते हैं जब प्रत्येक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग, एक्स मान लीजिए एक्स का यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ नेचुरल नंबर है, तो एक्स हो गया रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का जो भी वैल्यू मिल रहा है वो सारा वैल्यू इस सेट में है। मान लीजिए वैल्यू मिला एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, नेचुरल नंबर है वन टू थ्री डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक वैल्यू होना चाहिए, वन के करस्पॉन्डिंग भी, टू के करस्पॉन्डिंग भी, थ्री के करस्पॉन्डिंग भी। अगर हम लोग नेचुरल नंबर से इस सेट में एक वन वन मैपिंग डिफाइन कर ले, वन वन ऑन टू मैपिंग, तो उसको हम लोग कहेंगे काउंटेबल सेट्स। तो इसको काउंटेबल सेट कहेंगे। काउंटेबल सेट तब कहेंगे जब नेचुरल नंबर से इसमें हम लोग एक वन वन ऑन टू मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं तब। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एलिमेंट मिलना चाहिए, तब हम लोग उसको कहेंगे काउंटेबल। तो एक्स को डिस्क्रीट कब कहेंगे, एक्स को डिस्क्रीट कहेंगे तब जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन वैल्यू हो, या फिर इनफाइनाइट अगर है तो इनफाइनाइट में भी हम लोग लिस्ट बना सके, प्रत्येक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू रख सके डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो इनफाइनाइट केस में भी अगर ये काउंटेबल है तब उसको हम लोग कहेंगे डिस्क्रीट। काउंटेबल में नेचुरल नंबर और एक्स का जो वैल्यू मिल रहा है उसके बीच वन वन ऑन टू मैपिंग होना चाहिए। तो रियल नंबर का जो सेट होता है, आर होता है या कोई भी इंटरवल ले लेते हैं 0 to 1, तो ये जो इंटरवल है या रियल नंबर का सेट वो काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है, ये काउंटेबल नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू इसमें अगर आ जाता है, किसी इंटरवल में एक्स का वैल्यू बिलोंग करता है, यानी अगर इंटरवल का कोई भी मेंबर अगर एक्स का वैल्यू हो सकता है, तो वैसे केस में इसको डिस्क्रीट नहीं कहेंगे क्योंकि ये काउंटेबल सेट नहीं है। काउंटेबल सेट तब होता है जब प्रत्येक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एक वैल्यू मिलता हो, तब काउंटेबल होता है। यहाँ पर काउंटेबल नहीं होता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल एक चैप्टर ही है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो है, अगर किसी इंटरवल में एक्स का वैल्यू आता है, किसी इंटरवल के प्रत्येक मेंबर एक्स का अगर वैल्यू होता है, तो वैसे केस में इसको डिस्क्रीट नहीं कहेंगे। वैसे केस में हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस। यानी कंटिन्यूस कब कहते हैं, जब डिस्क्रीट, जब रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो अगर किसी इंटरवल में लाइक करता है, या फिर किसी दो नंबर के बीच में कोई भी रियल नंबर अगर आ जाता है, अगर एक्स का वैल्यू, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू दो रियल नंबर के बीच में कोई भी रियल नंबर अगर हो सकता है, तो वैसे केस में इसको कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और अगर एक्स का वैल्यू फाइनाइट हो या इनफाइनाइट बट काउंटेबल हो, तब हम लोग उसको कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो चलिए मैं कंटिन्यूस के बारे में मैं बता रहा हूँ। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है, ये रैंडम वेरिएबल इज सेट टू बी कंटिन्यूस If it can assume any value in some interval or intervals, अगर random variable का जो value है वो किसी interval में lie करता है, या interval का कोई भी अगर member हो सकता है, तो वैसे random variable को हम लोग कहते हैं continuous। जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर x का value, x मान लीजिए random variable है, इसका value इस interval के बीच में कहीं पर भी अगर lie कर सकता है, इस इंटरवल में कोई भी मेंबर हो सकता है एक्स का वैल्यू अगर, तो उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल सा समझिए, एक्स मान लीजिए वेट ऑफ मैन, कोई भी आदमी का वेट जो है उसको हम लोग अगर एक्स मान लें, तो एक्स का कोई फिक्स्ड वैल्यू आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट वेट की बात करें,
यहाँ एग्जैक्ट वेट कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेट वेट नहीं, एग्जैक्ट वेट की बात करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं किसी का वेट 50 केजी है, तो 50 केजी एग्जैक्ट नहीं होता है, वो 50 जो है वो 50.01234 78 कुछ इस तरीके से आता है, ये फिक्स नहीं है। तो एक डिफिनेट वैल्यू यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, ये एक इंटरवल में लाई करेगा, एक इंटीजर नहीं आ रहा है बल्कि ये एक इंटरवल में लाई करेगा। तो मान लीजिए अगर वेट की बात करें, मान लीजिए अगर इस वीडियो को 10,000 लोग देख रहे हैं, तो 10,000 लोगों का अगर वेट की बात करें तो वेट जो है वो हो सकता है कि 40 और 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 10,000 लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उसका उन सभी का वेट की बात करें तो मान लीजिए 40 to 60 के वेट है, अगर सभी 40 to 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि 41 ही होगा या 42 ही होगा, तो बल्कि 41.2345 यानी कि एक इंटरवल में लाई करेगा। तो अगर इंटरवल में लाई करता है तो वैसे रैंडम वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो दो तरह का रैंडम वेरिएबल हो गया, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में क्या होता है कि जो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू होता है वो या तो फाइनाइट होता है या काउंटेबल होता है, इनफाइनाइट में होता है तो काउंटेबल। और कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में जो रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो निश्चित रूप से किसी दो नंबर के बीच में लाई करता है, यानी कि कोई भी इंटरवल का कोई भी अगर मेंबर अगर है तो वैसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और मैं इस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को नहीं बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताऊँगा और आगे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी मैं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।